Momentum. प्रधान जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा देवकी नंदन है, मेरी पत्नी प्रधान है। सर, कौन से गांव के प्रधान हैं आप? सर, ग्राम पंचायत ललौर गुजरानपुर लगती है। और ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? ब्लॉक सर बेसरपुर लगता है। और जिला? जिला पीलीभीत। अभी प्रधान जी, तीन दिनों से आपका गुजरानपुर गांव जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पटवारी ने और प्रधान ने मिली भगत करके कि लोगों को, किसानों को उजाड़ दिया, खड़ी खेती जोत दी है। सर, गांव की राजनीति है सर, हमारे, हम अकेले घर परिवार के अकेले हैं, हमें पहले से ही ये सर दबाया जा रहा है। अगर कोई भी प्रकरण हमारे खिलाफ अगर सिद्ध होता है तो हम उस जुल्म के लिए सहने के लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। और ये सारी, मैं कमज़ोर आदमी हूँ सर, गांव के हिसाब से ये विपक्षी चार छः लोग ऐसे हैं सर, वो तगड़े अपने परिवार से हैं, घर से, वो खाली झूठी खबरें उड़ाते हैं कई मीडिया वाला। इससे पहले भी सर मेरे खिलाफ, मैं सरकारी खरंजा डाल रहा था और आज भी मेरे पास सर गवाही है कि मैं मिट्टी भरवा के लाया था ट्राली, मेरे कोई आदमी वहाँ नहीं था। मेरी झूठी खबर छाप के कि प्रधान ने गोली चलाई, जे किया, मेरा कोई आदमी वहाँ नहीं था और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया झूठा। और उसके बाद वो आज जो लोग मजदूर ट्राली गए थे वो आज भी है उसमें। और जो है कहानी, मतलब सर सब ये षड्यंत्र बना बना के मुझे फंसाने के लिए राजनीति के साथ सब किया जा रहा है। कोई गांव की फसल नहीं लौटी गई, कोई विवाद नहीं हुआ है। लेखपाल साहब नापने गए, उनने भी कोई काम गलत नहीं किया। क्यों, जो जिसका आदेश मिला था उन्हें मतलब बरात घर का मेरे नंबर का नापने का, वो नंबर नापा, वो स्कूल से सटा हुआ नंबर है सर, तो रकबा निकालने के लिए वो नंबर नापना पड़ेगा सर, तो वो नंबर नापा सर, तो उसमें स्कूल का रकबा लिखा, तो दूसरे जिसपे कब्जा था स्कूल के रकबा का, उससे कहा गया कि उसमें धान खड़ा है कि भाई ये आप खाली कर दो। जब खाली करने को कहा गया तभी जुए कहान मतलब कहा कि जुए कहान मतलब वो लोग लिपट पड़े। जब लिपट पड़े तो हम लोग दोनों लोग उनके ऊपर हरजन एक्ट वगैरह एक बार लगा चुके हैं, दूसरी बार फिर षड्यंत्र बनाया इन लोगों की, लेखपाल और प्रधान पे दोनों हरजन एक्ट लगाओ तब इनको मारो। तो मैंने फिर पुलिस प्रशासन को सर फोन किया, तब पुलिस आई सर, पुलिस आने के बाद फिर मेरे खिलाफ मतलब जुए इन्होंने मारपीट करने कहा, तो हम अपने घर को चले आए और लेखपाल साहब अपने यहाँ से चले गए। उनकी लेखपाल कौन है? लेखपाल सर विदित गंगवाल है और सर उनकी बेइज्जती की गई, इसी बात वो भी अपने चले गए बरखेड़ा सीधे। ये बताइए, ये प्रकरण कौन सी जमीन का? स्कूल की प्रकरण का जमीन का है जी, जिसमें बरात घर आप बना रहे हैं या सरकारी बनना है बरात घर? ये बरात घर हम अपनी जमीन में सर बना रहेंगे, हमारी जमीन तब भी गई है सर, थोड़ा सा रकबा मतलब जो हमारी जमीन नक्शे कुछ फालतू है सर, तो वो है सर ने SDM साहब सर आए थे, उन्होंने वो फालतू बारी हमारी निकाल दी, तो उसमें कुछ रकबा फंसा, वो मैंने तोड़ दिया सर, हटा दिया अपना। हाँ, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि मेरा नक्शे के हिसाब नपा हुआ था, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया था, तो उसमें नक्शे के हिसाब ज़्यादा बनना है। तो आपके गांव में कोई कहने वाला है, कुछ व्यक्ति हैं? जी, बहुत सारे लोग कहने, पूरा गाँव कहने वाला है, 6 लोगों के अलावा सर पूरा गाँव कोई भी विवाद नहीं बता सकता है। एक भी बच्चा विवाद बता दे उसका मैं जुल्म छहने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरे लिए सजा मिले। अगर कोई भी गांव का, 2-3 गांव लगते हैं सर, अगर उनमें कोई भी कह दे प्रधान ने गलत किया तो उसकी सजा हम भोगने के लिए तैयार हैं सर। देखिए, ये प्रधान जी के एक प्रवचन है कि मतलब हमने कोई गलत काम नहीं किया है, पटवारी की बेइज्जती की यहाँ पे और हमारी बेइज्जती की है, मैं अकेला हूँ, हरियाणा एक्ट लगाने की बात कह रहे हैं। एक बार ये लग चुकी है मेरे लिए, एक बार मेरे लगा चुके हैं, झूठी है सर, आज भी मेरा पूरा गांव पीछे फिरता रहा, पूरा गांव मेरा रोया इस बात को लेकर कि प्रधान पे झूठी झूठा साजिश करके मुझ पे हरजन एक्ट 307 और दुनिया की लगाई कि ये गड्ढा में घुस जाए, ये अच्छे काम कर रहा है, ये फिर प्रधान बन जाएगा, इसलिए जनता इसके पीछे है, तो इसके झूठे मुकदमे लगा के इसको बिल्कुल गड्ढे में डाल दो, यही षड्यंत्र सर किया जा रहा है। और फसल भी देख, कोई गलत काम हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ, कोई बच्चा भी नहीं कह सकता। अगर ये बात सिद्ध हो जाए कि मैं जुल्म जो भी मेरे साथ किया जाए, मेरे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी करें वो मैं खुशी खुशी सह लूंगा सर। ये जो विवाद जमीन विवाद चल रहा है, क्या दो जगह कैसे हो गया भैया, बताओ जरा, आप बता दो। ग्राम समाज ग्राम समाज का क्या है?
प्रधान जी ने बराए घर बनवाओ, जमीन विवाद अलग है, हाँ। जमीन विवाद अलग है। जमीन का क्या है, आपका नाम भैया? संतोष कुमार। कहाँ रहते हैं? ही रहते हो गुजरपुर में? हाँ। बिसलपुर। हाँ, क्या है विवाद बताओ जरा, खड़े होकर यार। क्या बता रहे हैं विवाद, तो जगह आप कौन से पूछ रहे हो बताओ। नहीं नहीं, विवाद जमीन जुती है क्या, ऐसा हाँ? है जमीन ना, जमीन जुती नहीं, ट्रैक्टर घुसा और हिलक गया, इसके बाद निकल आया। अच्छा, जुती नहीं है जमीन? जुती नहीं है फिलहाल। जमीन है ये? जमीन है, कोई स्कूल वाली ये है। यहाँ से इधर वो लकड़ी गड़ी है, इधर यहाँ से विद्यालय वाली। अच्छा, और बारात घर कहाँ बननी है? बारात घर जी बन गया इधर। इसमें तो कोई विवाद नहीं है? नहीं, इसमें साहब आए थे कल, कोई विवाद नहीं, उन्होंने इतना नापा इतना हटा लिया मैंने। अच्छा, इतना हटा दिया? हाँ, इतना उन्होंने निकाला, नाली का निकाला 5 मीटर, तो यहाँ से थी मेरी बुनियाद। अच्छा, नाली निकाला 5 मीटर तो मैंने उधर उठा दिया। अच्छा, सही है। हाँ, ये बारात घर आप निजी बनवा रहे हैं? हाँ, निजी बनवा रहे हैं। अब उधर जो है उन्होंने निकाला, मतलब उधर से भी। एक्चुअली साहब, ये जो लाहौर गुजरानपुर का जो मामला है, जो अभी काफ़ी चल रहा है मीडिया में कि मतलब खाली फसल किसानों की जोत दी है, कल आप वहाँ का सर्वे भी करके आए हैं, क्या मामला है पूरा प्रश्न बताएंगे आप जरा? वहाँ पर स्कूल की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन पर ग्राम प्रधान ने अवैध रूप से बारात घर बनवा लिया था, उसको तोड़वा दिया गया है, शिकायत मिलती है, लेकर गया तोड़वाने। इसके बाद जो ये खबर चली थी कि खड़ी फसल जो आ गई, किसी की 1 इंच कोई फसल नहीं चुका रही, निश्चित पूरी तरह से वो खबर भ्रामक गलत। तो सर, ये प्रधान के कब्जे में कितनी ज़मीन थी सरकारी? सरप्लस हमने अपनी उसकी नपवा दी, अपनी छोड़ दी, तो लगभग मैं बता रहा हूँ कि 50x50 फीट लगभग ज़्यादा हो स्कूल में जमीन कब्जा करना।